तो गाइस आज हम कंडक्ट करवाने वाले हैं इलेक्शन, वो भी इलेक्शन से पहले, मतलब वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ फेक इलेक्शन अपने हजारीबाग में, और चेक करेंगे हमारे बीजेपी के कैंडिडेट ये रहे, हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट। आज हमारे पास दो कैंडिडेट, पहले बीजेपी दूसरे कांग्रेस, आपके पास ऑप्शन है दोनों में से किसी को ना भी वोट कर सकते हैं। तो देखेंगे हमारे शहर में इलेक्शन को लेके लोग क्या सोच रहे हैं, कितने वोट करने वाले हैं, क्यों वोट करने वाले हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा भाई, बीजेपी या कांग्रेस? जलवा है हमारा, हमारे पास अभी हुए 6:15, 20 मिनट का हम लोग वोटिंग रखेंगे, उसके 10 मिनट बाद रिजल्ट लाएंगे, देखते हैं ऑडियंस क्या करती है हमारे यहाँ की। है ना, रेडी हो तुम लोग? नहीं। तो ऐसा क्या करने वाले हैं कि पब्लिक आपको वोट करे? व्हाट? हम बताएंगे उन लोगों का जो जो प्रॉब्लम है वो सबको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। हाँ, थोड़ा बड़ा बड़ा फेंकिए, उतने भी बड़ा बड़ा गांधी मैदान में स्टेडियम बना देंगे क्रिकेट खेलने के लिए। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी भाई। कांग्रेस वाले आलू डाल के सोना नहीं निकालोगे, सोना निकालो। भारत जितना भी बेरोजगार है उसको सबको नौकरी दिलाएंगे, सरकारी नौकरी अभी यूपीएससी बिना क्लियर किए ही मिल जाएगा, ठीक है? देखो ये सब तो पॉसिबल नहीं रहा, कुछ अच्छा चीज फेंको नहीं तो चप्पल यहाँ से मारना शुरू। टाइल्स लगवाएंगे, ठीक है, गांधी मैदान में टाइल्स लगवाएगा। कुछ पूछ रहे थे, आपका नेता खुद नहीं कर सकता, आप कैसे करोगे बताइए? यहाँ टाइल्स लगा के क्या ही हो जाएगा? बात तो सही है। यहाँ पे टाइल्स लगाएंगे तो आप समझ रहे पिक्चर के लोग क्या चाहते हैं, आप लोग कांग्रेस गिराना चाहते हैं। तो हमारे पास हजार लोग हजार ओपिनियन, हजार लोग हजार ओपिनियन, तो करवाते हैं वोट और देखते हैं क्या लोग चूज करते हैं। हाँ चलो, जकरा जकरा वोट देना हो, मंदिरवा ठीना वोट दिया लगले हो, चलो हो। जकरा जकरा वोट देना हो, मंदिरवा ठीना वोट दिया लगले हो, चलो हो। अरे कहना क्या चाहते हो? सबको ध्यान से सुनना भाई, ठीक है? जकरा जकरा वोट देना हो, मंदिरवा ठीना वोट दिया लगले हो, चलो हो। तो ये रहा हमारा वोट बॉक्स, और इसमें देखते हैं किसका पर्चा ज्यादा आता है, क्या लगता है कि लोग बीजेपी को वोट करेंगे या फिर कांग्रेस को करेंगे, या फिर दोनों में से किसी को नहीं, या फिर उनके पार्टी का कोई भी हो, जैसे जेएमएम आरजेडी या कोई भी, किसी को भी वो वोट कर सकते हैं। एक एक करके सबको आएंगे, ठीक है? आइए भैया, वोट करना है, जिसका भी पार्टी का आपको लिखना है, एक वर्ड शुरू का लिखना है, ठीक है? बी फॉर बीजेपी, सी फॉर कांग्रेस। हाँ तो दिख जाएगा, दिख जाएगा, हमको क्या फर्क पड़ता है, डालिए इसमें डालिए। हाँ, कोई नहीं मारेगा। चले भाई, और जिसको भी वोट करना आ जाओ इधर, उनको ये थोड़ा सा रूल हम लोग अपनाते हैं वोटिंग वाला, ठीक है? दीजिए। जयराम को क्या मारा? आरजेडी से ऐसा है तो नहीं, जेबीके एस एस, जेके लिख दो, जेबी लिख दो, जेबी, ठीक है, वेरी गुड। एक करके सब आते जाए, अरे आ जाओ भाई आ जाओ, अरे वोट देने के लिए सीखो, अपना वोट जरूर देना। ये वीडियो इसलिए है कि जो वोट हम लोग यहाँ होने वाला है, जाके वोट मारना है, जिसको भी मारो, अगर नहीं भी कोई पसंद है तो उसको भी मार के आना, ठीक है? एन फोर नोटा। हाँ एक बार उंगली, जय श्री राम, ऐसे करके लोग वोट मारते रहे। और दूसरी तरफ नेता लोग अपना झूठा भाषण बढ़ चढ़ के लोगों को बीच देते रहे, अपना वादा ना पूरा करने वाला वादा करते रहे। लोग आते गए, वोट मारते गए, वोट मारने का सिलसिला चलता रहा, जब तक शाम ना हो गया, लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। वोट देगा छोटू? हाँ, हाँ। 18 साल हो गया? ना। वोटर आईडी कार्ड है? ना। तो वोट किसे देगा? किसी देंगे हाथ से। लोगों का भीड़ देख के ऐसे अचानक से कुछ अलग ही लग रहा था, बट हमें लोगों से अपील करना पड़ रहा था कि लोगों को वोट मारने जाना चाहिए। ये था हमारा एक कोशिश लोगों को अवेयर करने का। चलिए अब रिजल्ट का बारी आता है। तो फाइनली मैंने कंडक्ट करवाया फेक इलेक्शन, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है, सिर्फ एक जागरूकता के लिए कि लोगों को वोट देना चाहिए, और किसे वोट करने वाले हैं उस चीज़ के ऊपर। हम किसी पार्टी या किसी को भी इंडिविजुअली सपोर्ट नहीं करते हैं, वो जब वोट होगा तब हम करेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं वोट को और देखते हैं कौन जीतने वाला है, कौन जीत रहा, बीजेपी कांग्रेस?
कांग्रेस वाले हाथ उठाओ भाई। दो तीन है और बीजेपी वाले, बीजेपी और जयराम महतो। तो अगर देखा जाए टक्कर जयराम महतो और बीजेपी में होने वाला है, बाकी देखते हैं रिजल्ट को और क्या होता है। तो हमने करवाया इलेक्शन जानने के लिए कि कितने लोग वोट देने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे इलेक्शन जब होते हैं 50% लोग तो वोट देने ही नहीं जाते हैं। तो उनसे गुजारिश रहेगा कि जाएं, अगर आपके पसंदीदा कोई कैंडिडेट नहीं है, आपको कोई पार्टी पसंद नहीं है, तो जाएं और नोटा को वोट करके जरूर आएं। तो आज जो जीता है एक सीट से है RJD, मात्र एक वोट। नीचे से जीता है, ये एक सर्वे है, छोटा मोटा, कोई रियलिटी से कोई संबंध नहीं रखता है। तीन वोट मिला है नोटा को। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से वोट देते हैं, उनको ये सब कैंडिडेट पसंद नहीं है। तीसरे नंबर पे जो है वो है कांग्रेस, 10 वोट, 10 वोट, 10 वोट बहुत होता है। सेकेंड नंबर पे है आप सबका फेवरेट पार्टी, सेकेंड नंबर पे कौन बताओ? कांग्रेस चला गया 10 सीट से, 10 वोट, 11 वोट। जयराम महतो दूसरे नंबर पे जयराम महतो। बहुत कम समय में भैया ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना पहचान बनाने की कोशिश किया, और आप सबके चाहते बोलने का जरूरत नहीं है, सिर्फ जय श्री राम। बहुत वोट आ गया, 52। ये था हमारा एक छोटा सा कोशिश फेक इलेक्शन कंडक्ट करवाने का। तो किसी तरह से गिरते पड़ते हैं, हमने सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया, लोगों से वोट दिलवा लिया। चलिए इतना तो समझ में आया कि लोग वोट देने के लिए एग्री है, कुछ लोग नहीं है। इतना भीड़ था, आई थिंक 80 बंदे ही वोट कर पाए 30 मिनट में। तो रिजल्ट को आपने देखा ही, हमारा कोई इससे वास्तविकता से संबंध नहीं है, बस हम एक अवेयरनेस लिए लोगों से, एक्सपेरिमेंट के लिए, उनका रिएक्शन के लिए एक एक्सपेरिमेंट करना उनके बीच कि क्या वो चाहते हैं, क्या वो वोट देना चाहते हैं या देने के लिए जाने वाले हैं, उस चीज़ का आदत दिलवाने के लिए ये वीडियो किया। तो आपको कैसा लगा, नहीं लगा बताइए कमेंट करके। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक से एक डेयरिंग और चैलेंज वीडियो पे। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हजारीबाग।